हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेमंड शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं रेमंड शेयर के ऊपर। रेमंड के शेयर में आज हम लोग को एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला। ऑल्दो मार्केट में सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग सेशन से ही बना हुआ था, लेकिन रेमंड के शेयर में मॉर्निंग से एक बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट को देखने को मिल रहा था। स्टॉक जो है 16% के तेजी के साथ आपको क्लोज हुआ है। 221 पॉइंट का इंट्राडे में इस स्टॉक ने किया है और 1590 के लेवल के ऊपर स्टॉक जो है क्लोज हुआ है। इस स्टॉक की अगर बात करेंगे तो ओपन हुआ था स्टॉक जो है 1372.75 पे। उसके बाद से कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ, वापस से कुछ टाइम के लिए आपको स्टॉक साइडवेज गया। अगेन यहां पे हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम दिखा, वापस से स्टॉक साइडवेज ट्रेड किया और फाइनली स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने डे के हाई पे ही क्लोज हुआ है। इस स्टॉक में अगर देखेंगे लास्ट वन ईयर में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट वन ईयर में स्टॉक ने 155% का रिटर्न बना के दिया है। तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न जो है निवेशक को इस स्टॉक ने बना के दिया। आगे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अगर यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इससे पहले मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो मंथली चार्ट जो है ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। नवंबर मंथ का कैंडल क्लोज हो चुका है। दिसंबर मंथ का अभी आपको कैंडल चल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे दिसंबर मंथ में नो डाउट आपको बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ पे क्लियरली मंथली चार्ट के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था और वहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली देखा था एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद से डेफिनेटली ये मोमेंटम कैरी आउट होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लेते हैं, ऑलरेडी नीचे के लेवल से जितने भी लोग इस लेवल को राइड कर रहे हैं, इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का देखेंगे। और जैसे ही यहाँ पे स्टॉक जो है आपको थोड़ा सा भी निगेटिव साइन इस स्टॉक में दिखना स्टार्ट होगा, डेफिनेटली वहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है। 500 से 1600 के का अगर हम मोमेंटम देखेंगे तो वन साइडेड मोमेंटम है, कहीं पे भी आपको रिट्रेसमेंट नहीं आया है। वेट कीजिए, कभी भी अगर आप टेक्निकल टर्म में बोलेंगे तो रिट्रेसमेंट, और फंडामेंटल टर्म में बोलेंगे तो आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन उस के अकॉर्डिंग नहीं होता है जिस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टॉक प्राइस में रैली हुआ है। इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। वीकली बेसिस पे भी अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से कंटिन्यूसली स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। अब अगर यहाँ पे आप पोजिशन ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं, आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है तो आपको वेट करना चाहिए, रिट्रेसमेंट आने दीजिए, बाद यहाँ पे आपको फ्रेश पोजीशन बनाना। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।